उनका बैलेंस का विषय नहीं है। हेलो आया पेटू बढ़िया बढ़िया। थोड़ा देर इधर हो जाइए वीडियो के लिए। हाँ वो सर वो आपको सॉन्ग में पता चलेगा किस लिए सॉरी बोल रही हूँ और मैं माफ कर दूँगी या नहीं भी पता चलेगा। मैं माफ कर देना मिलेंगे भी नहीं वो सॉन्ग में पता चलेगा ठीक है। आओ पीछे आओ तोलो तोलो ठीक है मैम। यहाँ पर भी कंगे जी इधर हम भी इधर हैं नहीं देख रहा मैं पैर के देख पाऊँ विशाल नहीं आई क्या। काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स आया। क्या कुछ कहना चाहोगे। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का प्यार देखकर और टीज़र जैसे आपको पसंद आया वैसे ही आपको सॉन्ग भी बहुत पसंद आएगा और आप इस सॉन्ग के साथ काफ़ी रिलेट कर पाओगे। और मैं कनिका को सॉन्ग में क्यों सॉरी बोल रहा हूँ मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी वो आपको सॉन्ग में पता चलेगा। एंड थैंक्स टू पाजी जो मुझे सॉरी बोलने के लिए हेल्प किया कनिका को। सो यस रामजी क्या है सॉरी की क्या स्टोरी है। आई थिंक सॉरी इज़ वन वर्ड जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं शायद अपने फ्रेंड्स को बोलने के लिए फैमिली को बोलने के लिए बेटर हाफ को बोलने के लिए। सो आई थिंक ये गाने से सब रिलेट करने वाले हैं और ये जो जोड़ी है सबको इतनी पसंद आने वाली है। आई थिंक दे लुक वेरी वेरी फ्रेश सब लोग के लिए बहुत फ्रेश फील हो रहा है एंड द वीडियो यू विल लव द वीडियो एंड गाना भी बहुत प्यारा है एंड आई थिंक एवरीथिंग एवरीवन इज गोइंग टू फॉल इन लव विद कनिका एंड राज। बैक टू बैक सॉन्ग एक सॉन्ग काफी हिट हो चुका है इसके बारे में काफी कुछ चर्चा हो रही है न्यू पेयरिंग क्या कुछ कहना चाहूंगा। ये भी बहुत हिट होने वाला है एंड राज का ये फर्स्ट वीडियो है सो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड इनकी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है कि ये शो से पहली बार कुछ बाहर इन्होंने किया है। सो एंड हम लोग साथ में बहुत एक्साइटेड हैं एंड सर ने गाया बहुत अच्छा एंड हम दोनों पहले से दोस्त हैं। मैं मौका ही ढूंढ रही थी कि कब हमें साथ में काम करने का मौका मिलेगा वो हमें नहीं मिल रहा था। फाइनली मिल गया। नो सॉरी नो थैंक यू मैं आप कितना रिलीट करते हैं वो तो डिपेंड करता है अगर आप हैं तो कितना बार सॉरी बोलेंगे। अच्छा अपने लवर से बिल्कुल सॉरी भी बोलना चाहिए थैंक यू भी बोलना चाहिए मुझे लगता है सिचुएशन हो ही जाती हैं हम अपनी गलती मान ले तो ठीक है सॉरी हो जाती हैं चीज़ें जल्दी एंड थैंक यू अच्छा फील कराता है। एंड सॉरी बोलना भी कोई यू नो आप छोटे नहीं बन जाते हो अगर आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें सॉरी बोलना अगर आपको छोटा लग रहा है तो फिर आप ये तो पूरे गाने में बोलते रहेंगे और सो हम्बल ही इज। शो में आप नहीं दिख रहे थे काफी ऑडियंस कह रहे थे कि आप क्विट हो चुके हैं एंड सॉन्ग आ चुका है किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है शो की आने वाले समय में शो में आपको फिर से देख पाएगी कुछ बताना चाहूंगा। देखिए जितने भी लोग मुझे पहले से देखते हैं सो दे नो मी दैट मैं बहुत ही अच्छा हूँ सस्पेंस क्रिएट करने में। सो अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और जब पाजी ने मुझे पहली बार ये सॉन्ग सुनाया था आई एम लाइक कि पाजी आई वॉन्ट टू डू दिस बहुत ही प्यारा सॉन्ग है लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं इसके कंपोजिशन एवरीथिंग इज़ गुड। सो बस जितना प्यार लोगों ने मुझे शो में दिया है तो इस सॉन्ग में भी मुझे दे देर सारा प्यार मैं बस वही होप कर। बहुत टाइम बाद गाना कर रहा हूँ आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बीन एन ईयर एंड आई टोल्ड यू इट वाज माय विश टू वर्क विद कनिका एंड राज से तो मतलब
हम इतना कोऑर्डिनेट कर रहे थे एंड फाइनली वी गॉट अ चांस. तो आई थिंक दिस इज एक्चुअली लाइक वन ड्रीम टीम यू नो कमिंग टुगेदर फॉर दिस सॉन्ग. और आप लोग को मजा आने वाला है. जस्ट परसों के दिन आई थिंक 3rd at 1 PM यू आर गोना लव इट. कनिगा जी, इस हफ्ते काफी ज्यादा चर्चा हुई खतरों के खिलाड़ी में. एलिमिनेशन टास्क में जाके एलिमिनेट होने के बाद आना, फिर प्रतीक एलिमिनेट हो चुके हैं इस हफ्ते, आप क्या कहना चाहोगे? आप बताइए कनिगा जी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है. अरे परफॉर्मेंस वाइज मैंने कनिगा को मैसेज भी किया था जब मैंने उसका एलिमिनेशन स्टंट देखा था. मतलब अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं थोड़ा रुक जाता कि भाई मैं करूँ या ना करूँ. मैं बहुत सोचता हजार बार कि मैं ऊपर जाऊँ कि नहीं. बट वो जो घूमने स्पिनिंग वाला स्टंट था, अंदर क्या कुछ नहीं डाला गया था उसमें, वो कीज पकड़ के लॉक खोलना है, तो शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. देखा है यस, शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. आज गाने की बात की जाए, यू नो यू हैव, इट्स बीन अ न्यू अरीना फॉर यू, न्यू एरिया दैट यू एक्सप्लोर्ड. कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस करने का राम जी के साथ? यू नो अब आपको स्क्रीन पे भी देखेंगे हम. यस यस. हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. और मेरी विश थी कि मैं एक म्यूजिक एल्बम करूं एंड पाजी ने तो ऑफकोर्स एक से एक हिट दिए. तो उनके जब सॉन्ग सुनता था तो मेरा भी एक माइंड में था कि यू नो आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम. एंड यस, कनिका के साथ ही मेरा पहला सॉन्ग आ रहा है तो आई एम सो एक्साइटेड. और हमने भी बहुत मज़ा किया दुबई में भी. ये शूट किया था हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, हम लोग गए शूट किया. और हमारा लास्ट शॉट हुआ था 2:30 को रात को. एंड कनिका वॉज लाइक स्लीपिंग इन द कार और मैं अपने आपको जगा रहा था कि नहीं जागना है जागना है, लास्ट एक शॉट है, पूरी एनर्जी डालनी है. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इन दोनों के साथ काम करके. एंड आई होप कि आगे बस हम ऐसे ही काम करते जाएं, सभी को एंटरटेन करते जाएं. कनिका जी, खतरों के खिलाड़ी में हमने देख लिया, बहुत सारी चर्चा हो रही है बिग बॉस में. कई बातें आ रही है कि कुछ मीटिंग्स भी चालू है बिग बॉस में. 100% श्योर है कि दिस ईयर यू आर गोइंग फॉर द बिग बॉस, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. मैं देखिए यही बोलूंगी कि अमेजिंग शो है, मौका मिलेगा तो जरूर उसका हिस्सा बनूंगी. इस साल जा रही हूँ, अगले साल जा रही हूँ, तो वक्त बताएगा. कनिका जी, गाना देख सकते हैं, डांस नंबर होगा ये साल का, डांस नंबर बोल सकते हैं? डांस नंबर मिक्स होगा आई थिंक. आप डांस भी कर सकते हैं बट ऐसे सुन के आपको प्यारा लगे, सब मेलोडी. सॉन्ग बहुत ही ग्रूवी, आप ग्रूव करोगे सॉन्ग पे, बहुत ही अच्छा. जैसे डांस नंबर नंबर टाइप्स नहीं. मुझे गलत एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था. मैंने बुलाया वापस, अरे गलत छोड़ दिया, वापस आओ, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी. यस, हमारे शूट का जो ट्रिप था उसमें हमारी एक चीज बहुत ही, हम तीनों की फेवरेट रही है, वो थी चीजी फ्राइज. या हमने बहुत ही खाई है, डाइट तोड़ा है हमने. अलग ही टाइप की कुछ कॉफी इन्होंने मंगाई थी. अरे वो क्या अतरंगी बनानी ही नहीं आया हमें, हम उसमें ही कंफ्यूज थे. थैंक यू सो मच. एंड ये सॉन्ग देखना 3rd August को 1 बजे ओनली ऑन यूनाइटेड वाइट फ्लेक्स चैनल. एंड हम सबसे मिल रहे होंगे ना, आई होप 3rd को. यस, सी यू. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सिंगल. तीन तारीख को करेंगे ना आराम से. हाँ, अभी भी करेंगे. हो गया, चलो चलो.